नमस्कार दोस्तों, एसएससीजीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के हजारों अभ्यर्थी लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि सभी मेडिकल फिट को यहां पर भर्ती किया जाना चाहिए। और बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से उनको वहां पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वो भी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, जबकि दोस्तों गृह मंत्रालय की तरफ से, साथ ही जो राज्यसभा है उसमें नित्यानंद राय ने यह साफ साफ कहा था कि 1,20,000 से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी है। दोस्तों ये कैंडिडेट जो है वो सभी मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है, और सभी कैंडिडेट रिटर्न भी क्वालिफाई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्वालिफाई हो चुके। आखिर सरकार ने इनके साथ में बड़ा धोखा किया है, क्योंकि जितनी वैकेंसी थी उतने भी पद नहीं भरे गए। तो इनकी मांग जायज है कि सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट है जो लगातार एसएससीजीडी 2018 से लेकर 2021 तक लंबे स्ट्रगल के बाद में फाइनल स्टेज पे पहुंचे। जब फाइनल स्टेज में वो क्वालिफाई हो चुके थे तब उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट के नाम पर शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। ऐसे में दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट यहां पर लेके आया हूं, क्या क्या दिल्ली में जो जंतर मंतर पर उन अभ्यर्थियों के साथ में हुआ। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी जंतर मंतर पहुंचे तभी जाके आप सभी के लिए कुछ हो सकता है। दोस्तों यहां पर बात करें तो एसएससीजीडी कांस्टेबल भर्ती नियुक्ति नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने किया है प्रदर्शन। वही पुलिस ने बाजी लाठियां, लेकिन हटने को तैयार नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने तो यह भी कह दिया कि या तो हम ज्वाइनिंग लेके जाएंगे, या तो हमारी यहां से ज्वाइनिंग जाएगी, या फिर हमारी यहां से अर्थी जाएगी। तो बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस के साथ में धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं अभ्यर्थी। उनकी मांगे क्या है तो मैं बता देता हूं। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 2018 जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया, बावजूद इसके अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की गई, जिसकी वजह से चयनित अभ्यर्थियों के सब्र का बांध भी अब टूट गया है। जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग को लेकर अभ्यर्थी जंतर मंतर पर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। इस बीच प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों और सुरक्षा कर्मचारियों के बीच नोकझोंक भी हुई, और भीड़ कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों को लाठियां भी बांधनी पड़ी, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को हल्की चोट भी आई है और उन्हें अस्पताल में भी ले जाना पड़ा। वही बताया जा रहा है कि धरना प्रदर्शन उग्र होने पर कुछ प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा बस में बिठाकर मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया, जहां पर अभ्यर्थियों ने विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि युवा हल्ला बोल के बैनर तले प्रदर्शन में जुटे हुए थे, जिसमें यूपी, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी विरोध दर्ज कराने के लिए यहां पर आए थे। और उन सभी युवाओं को यहां पर हल्ला बोल के प्रवक्ता ऋषभ रंजन ने बताया कि इस प्रदर्शन के दौरान कई अभ्यर्थियों को चोट आई है। पिछले 3 साल से जीडी की भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। इससे पहले जब जुलाई महीने में विरोध दर्ज कराया गया तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इस संबंध में मिलाने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया। वही जब अभ्यर्थी मंगलवार को विरोध दर्ज कराने गए तो पुलिस कर्मियों ने हिरासत में भी उन्हें ले लिया गया। अगर बात करें तो पूरा मामला क्या है, तो कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जीडी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आयोग की तरफ से इन पदों पर भर्तियों के लिए लिखित एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बाद 85,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। ये अभ्यर्थी आयोग से 60,210 पदों की संख्या भी बढ़ाने की मांग कर रहे। उनका कहना है कि अगर आयोग की तरफ से पदों की संख्या बढ़ा दी जाए तो सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां मिल जाएगी, और लगातार इसी को लेकर वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को जायज यहां पर ठोस रहे। साथ ही सरकार से उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार उनकी वैकेंसी को बढ़ाए जाए, सरकार उनसे बात करे कि वैकेंसी है उनको खाली क्यों रखा गया, जितनी वैकेंसी यहां पर एडवर्टाइजमेंट में दी गई है उससे कम अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग आखिर क्यों दी जा रही है, आखिर क्यों अभ्यर्थियों के साथ में धोखा किया जा रहा है। तो इन सभी को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर आप भी 2018 भर्ती के अभ्यर्थी है तो आप भी जरूर प्रोटेस्ट में जाइएगा। हो सकता है दोस्तों सभी मेडिकल फील्ड को भर्ती किया जाए या ज्वाइनिंग मिले, तो लाखों हजारों आपके जो हजारों परिवार है उनके लिए काफी अच्छी और बड़ी खुशखबरी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।